यस यस मैम मैम ओके, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2020 का ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर था। किसी को याद है 2019 का क्वेश्चन ऑफ द ईयर क्या था? इट वाज कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, नहीं बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। वेल ये क्वेश्चन था, ये हम लोग दो साल से ये क्वेश्चन पे डेढ़ साल से लगे हैं। एम आई ऑडिबल? सो ये एक्चुअली हमें तो पता होता है कि हाँ हम ऑडिबल है क्योंकि अब हम सब चीजें सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ा ऑडियंस को जागरूक करने के लिए जरूरी है। वेल थैंक यू चंद्रांग, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दी, मैं लास्ट ईयर से देख रही हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से काम कर रही है, एंड इट हैज प्रोवाइडेड इमेंस नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स। So to start with, I'm presenting my screen. I want to ask one question. आपको क्या पता है, दो तीन दिन पहले एक सॉन्ग लॉन्च हुआ था, इज एनीवन अवेयर? तीन दिन पहले एक गाना लॉन्च हुआ था, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Hello, screen is visible now? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. अच्छा मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को, आई डोंट लाइक पैसिव पार्टिसिपेशन, तो आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो कुछ याद है किसी को, दो दिन पहले कुछ गाना लॉन्च हुआ है? No idea. Chalo, let me give you a hint. इनको कोई जानता है कि क्या है? Nobody. मैम ये कोरियन BTS करके हैं। अच्छा चलो, very good. कोरियन पॉप सिंगर। Okay. ओके okay, मुझे लगता है सिर्फ 100 लोगों में से 3 लोगों ने आंसर दिया। मैम आर्मी का सिंबल है शायद। वेरी गुड, शायद 4 लोगों ने दिया। अगर आप BTS बैंड को नहीं जानते हैं तो आप दुनिया में बहुत पीछे हैं। इसकी बात मैं बताऊं, इनका एक गाना लॉन्च हुआ है बटर नाम से, और दो दिन पहले लॉन्च हुआ है, और उस गाने ने, ये जो पिक आप देख रहे हैं इस पिक में आर्मी का सिंबल है, यू कैन सी दिस AR and this MNY, ये गाना लॉन्च होने के within 5 minutes, जब ये लाइव लॉन्च हुआ है गाना, तो within 5 minutes ये सोशल मीडिया पे इस पर लिख के, ये ARMY इस तरीके से लिख के ये सर्कुलेट हो गया within 5 minutes। तो ये तो सिर्फ मुझे लगता है 25-26 साल के लड़के हैं जो पूरे वर्ल्ड में इतनी धूम मचाए हुए हैं, और ये कोरिया से हैं। इनमें से कितनों को इंग्लिश भी नहीं, कितनों को नहीं, they don't know English. तो ये इतना कैसे फेमस हो गए, क्या है ये? रातों रात चीजें नहीं होती है। इसका अगर हम लोग डिटेल्स देखें तो यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडेंस काइंडली म्यूट योर माइक, एंड मैम एज वी नो द स्ट्रेंथ इज approximately 100, you can restart that meeting. Yes, I have sent you the picture of that code. Again, I'm just a minute, I'm doing it. I have sent the code, okay? In the chat box. Okay, my screen is visible, na? Yes, ma'am. Yes, continue. हाँ,
सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इनके जो फैंस होते हैं लाइक द फैंस ऑफ बीटीएस दे डोंट नो द लिरिक्स, उन लोगों को कोरियन के लिरिक्स नहीं पता, इसलिए हमारी कंट्री का यूथ, हमारी कंट्री का यूथ नहीं इनफैक्ट यूथ ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर लर्निंग कोरियन. They used to, ये जो students होते हैं, ये जो artist हैं, इन लोग intense lifelong training कर रहे हैं. ये सिर्फ they are not do, it's not overnight job. ये specialized training अपने middle school से लेते थे. Middle school में जब थे, जब 6, 7, 8 में थे, तब से ये लेते थे. इन ये जो artist हैं, they learn how to sing, dance, rap और superstar fame बनने के बाद behave कैसे करना है, उसकी classes attend करते थे. सुबह 5 बजे से उठ के singing की practice, then after school language and behavior की training. रात तक, दिस इज ऑल दे हैव डन. उसके बाद दे आर लॉन्च्ड एज अ सोलो आर्टिस्ट और तब वो के-पॉप ग्रुप के मेंबर बनते हैं. नाउ व्हाट इज दिस, ये सब क्या है? दिस इज ऑल डेडिकेशन. इज माय थर्ड फोर्थ स्लाइड विजिबल बिकॉज आई एम शेयरिंग टू स्क्रीन? यस मैम, विजिबल. फोर्थ स्लाइड ना? Yes, ma'am, it's visible. Next, other resources wala. Now, why they have been blown up so much? Itna reasons kya hai? So, kaun se reasons hai? Sirf dedication to sab kuch nahi hota hai. Aisa thodi hai, India ka youth dedicated nahi hai. Aap log dedicated hai sab log. But government of South Korea, wo apne culture ko promote kar rahi thi aur unhone K-pop ko jinko ek Korean ka single word nahi hota, wahan tak unhone K-pop ko pahuncha hai. और इनका हर एक मेंबर इंग्लिश जानता है, इन लोग कैची वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश के, एंड दे नेम देमसेल्फ आल्सो इन इंग्लिश सो दैट जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो अच्छे से इनको फॉलो करे और दे कैन इजीली स्पीक देयर नेम. ये एक ह्यूज बिजनेस प्लान है, स्ट्रेटेजी है, ताकि इस बैंड को हेल्प किया जाता है कैसे आगे बढ़ा जाए. और इवन एनीवन नोज हु व्हिच इज द मोस्ट सेक्लूडेड कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे अलग कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की जो अपने आप में अलग रहती है? नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया. इनका बैंड नॉर्थ कोरिया तक भी पहुंचा है, सोचिए कितना पावर है इनमें. और इनका ये ह्यूज फैन बेस है, ये सिर्फ गुड म्यूजिक के पीछे दीवाना नहीं बट एम्पल ऑफ डेडिकेशन एंड वर्क. सो अल्टीमेटली वी कैन से कि कॉन्फिडेंट अप्रोच किसी में कैसे आता है, कोई अलग कैसे बनता है? बाय बीइंग डिफरेंट. एंड there is a brilliant business plan of the government also. इसीलिए ही जो इनका मैंने जो ये बटर सॉन्ग आया है, ये जो दो दिन पहले लॉन्च हुआ है, this song is the most 24 hours में most viewed video हो गया YouTube का, just in 24 hours. So these are the things. Now let's come to the research. Research की बात पे आते हैं हम लोग. I hope the slide is visible. I am turning the slides, sir. Yes, ma'am, visible. Okay, thank you very much. See, similarly, every single research scholar is capable of launching a satellite that can be illuminated in the every dark corner of this world. Isn't it so? How many of you agree with this thing? Sorry, ma'am. Kasi Prasad Misra, please mute yourself. Yes, good evening, ma'am. I agree, madam. I agree with you, ma'am. Yes. So, what's happening? अब हो क्या रहा है दुनिया में? So let's talk about latest trend in educational research. So, इनमें कुछ चीजें हम लोग discuss नहीं करेंगे, वो अभी आगे बता रहे हैं. See, we see there are highly COVID cases और research पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा research institutions हो गए, research के sponsors हो गए हैं. और उन लोग को पता है कि कैसे हमें रिसर्च को प्रमोट करना है COVID-19 केयर के लिए, उसके क्या इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं. और भी अभी इनसे बहुत सारी बातें जुड़ी है जो हमें नहीं पता. फाइन, तो एक कांस्टेंट एफर्ट है रिसर्चर्स का यहाँ पर. आप देखेंगे जो मेडिकल इंडस्ट्री में चल रहा है दैट इज फाइन, बट वी आर कनेक्टिंग COVID-19 विद अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो. इजंट इट ट्रू? हम लोग COVID-19 को कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पे देखकर. एक जितने भी स्टूडेंट्स ने आज की डेट में
लाइक विद इन ये सॉरी 6 मंथ्स में जितने भी बच्चों ने अपने सिनॉप्सिस बनाए होंगे या रिसर्च प्रपोजल्स बनाए होंगे उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है. सो कांट यू थिंक बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ पैंडेमिक और व्हाट वाज द रिसर्च ट्रेंड्स व्हिच वी आर फॉलोइंग बिफोर कोविड-19 के पहले कौन सा रिसर्च ट्रेंड चलता था और कांट यू थिंक टू क्रॉस दिस स्टेज और हम फ्यूचरिस्टिक व्यू रखें इस इश्यू के लिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. And then, isn't it a wastage of resources? जब हम लोग चीजें ट्रायल और एरर पे ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा फोकस होके गए जैसे के पॉप की बात करिए कैसे सी हाउ दे आर फोकस्ड और अपने यहाँ पर इंडियन म्यूजिक में टोनी कक्कर इज देयर. आप टोनी कक्कर के गाने देखिए और दैट दोस सॉन्ग्स वो पूरा उसका जो बैकग्राउंड होता है कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम के पॉप. तो हमको क्यों कुछ खुद हम कुछ नया क्यों ना करें. तो इस तरीके से पुरानी रिसर्च को ट्रायल एरर करना रिपीट करना रिसर्च को और ई गार्बेज कलेक्ट करना दिस इज नॉट अ गुड थिंग. और ऐसा हमारे अंदर ऐसी क्या ड्राइव आए जिससे हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें और सोसाइटी को हमेशा न्यू क्यों चाहिए होता है ये कुछ क्वेश्चंस है. तो मैं इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगी आप लोगों का आई एम श्योर फॉर दैट थिंग. लेकिन व्हाट वी कैन डिस्कस टुडे इज दैट what are the thrust areas under education research, what are the latest trending topics and how we can find how to find whether any variable is trending or not. koi bhi variable trending hai ki nahi hai hame time bachega to hum log is pe work karenge ki koi variable trending hai ki nahi hai. yes coming to the next point usually research kya hota hai hum log insight ki baat kar rahe hain mere andar mein man mein hua ki mujhe ye pe research karna hai. बट रिसर्च एक्चुअली इट इज फॉर फ्यूचर. रिसर्च तो फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं ना तो मेरे मन में क्या चल रहा है वो नहीं हमेशा मायने रखता है. बट वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर एंड नॉट फॉर द प्रेजेंट और द पास्ट. तो हमें इनसाइट की जगह वी शुड गो फॉर फोरसाइट व्हाट कैन बी द फ्यूचर. Sorry for the interruption, ma'am. Yes. Here I request you kindly admit all from the second meeting so that other learners can join. And yes. Admit all, ma'am. Remember. So that other will be everyone will be automatically admitted. Done, ma'am. Just a minute. Admit all. Yes, I got the option. And. Okay. Yes. Okay. Thank you, ma'am. So, what is the road ahead? What is the future? आगे क्या करना है हमें? What we are doing right now is defined by how we see the future, and it is seeing through the corners. हर कोने में हमें चीजें बारीकी से देखनी है. दैट कैन एनहांस अवर एबिलिटी टू अचीव मोर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि हमने कोई चीज सोच ली नहीं है अच्छी है तो ये अच्छी ही होगी. उसे हमें प्रॉपर एनालिसिस करना भी जरूरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू प्रॉपर एनालिसिस ऑल्सो. सो हाउ वी कैन डू ये कुछ स्क्रीन शॉट्स है. दिस इज ऑफ 2020 लास्ट ईयर इसी डेट पर मैंने 2020 में ये सर्च किया था एंड दिस ईयर 2021 में आई हैव सर्च दिस थिंग. सो व्हाट रिजल्ट्स आई एम गेटिंग. मैंने सर्च क्या मारा है गूगल पे. आई सर्च्ड 7 ट्रेंड्स इन रिसर्च मेथड्स. रिसर्च मेथड्स के क्या ट्रेंड्स हैं सॉरी न्यू ट्रेंड्स इन रिसर्च फाइंड किया था मैंने एंड आई गॉट टू नो जागृति सेकेंड मीटिंग इज नॉट ऑडिबल. ओके मैम यू कैन आई कैन अनम्यूट योर माइक. यस मैम ट्राई अनम्यूट योर माइक फ्रॉम द बोथ एंड्स. ओके इज इट ऑडिबल. आलोक कुमार आलोक श्रीवास्तव यू पीपल आर देयर इन द मीटिंग. ओके नाउ इट्स ऑडिबल. ओके थैंक यू मैम. So
एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, मैंने गूगल पे लास्ट ईयर जब सर्च किया था न्यू ट्रेंड्स इन रिसर्च, मई में ये सर्च किया था, सो आई गॉट दीज थिंग्स, डिजिटल क्वालिटेटिव मेथड्स एंड सो ऑन. और इस साल जब मैंने न्यू ट्रेंड्स इन रिसर्च फाइंड किया तो आई गॉट दीज थिंग्स. सिमिलरली व्हेन वी मूव टू अदर स्लाइड. अच्छा पार्टिसिपेंट्स, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन अनम्यूट एंड से इट. कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है यू प्लीज से इट. यस, और चैट बॉक्स में यू कैन टाइप. देन आई सर्च्ड लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लास्ट ईयर के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इस साल का. दिस इज दिस ईयर, दिस इज 2021 एंड दिस इज लास्ट ईयर. तो आप देख रहे हैं एक साल में ही, जबकि हम लोग लॉकडाउन में थे तो भी टीचिंग लर्निंग और उसमें कितने ट्रेंड्स चेंज हो गए. बट डू यू फाइंड एनीवेयर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, कहीं पे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग दिख रहा है आप लोगों को? 2020 में था ना, 2021 में था लेटेस्ट ट्रेंड में, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट लेटेस्ट, वो बहुत पुरानी चीज है. हम लोग ने उसको अभी यूज करना स्टार्ट किया है, वी हैव स्टार्टेड नाउ. हम बहुत पीछे चल रहे हैं. अब हमने उसको साल भर में सीखा, फिर हमने उसको यूज किया. यू सी लेटेस्ट ट्रेंड इन हेल्थ केयर. अब हेल्थ केयर में देखिए, देखिए हेल्थ केयर डिजिटल सॉल्यूशंस की लास्ट ईयर बात कर रहे हैं. मैम स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर फुल स्क्रीन व्यू. ओके यस मैम, फुल स्क्रीन कर लेंगे तो सभी लोग अच्छे दिख रहे हैं. ओके एक्चुअली मुझे एडमिट करना पड़ रहा है ना, तो वहां पर ओके 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 वी कैन मैनेज दैट. बस आफ्टर दिस स्लाइड देयर आर दिस फॉन्ट इज मच विजिबल, सो नो प्रॉब्लम. ओके एक्चुअली मैम जिनको देखना है वो जूम करके भी देख सकते हैं. तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड दिस इज हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, सी द डिफरेंस. लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इस साल में क्या हो गया. दिस इज 2021, दिस इज 2021, दिस इज 20. अब वो पिछले साल सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अब हेल्थ केयर पूरा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. यू कैन सी लास्ट ईयर से, आई एम नॉट सेइंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री वॉज नॉट देयर, सी नाउ इट हैज बिकम फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री. आपको हर तरीके का सामान बेचने वाला इंसान मिल जाएगा. तो अब हम लोग ट्रेंड पर आते हैं, ये ट्रेंड्स होते क्या हैं, कैसे होता है और हम इस पर कैसे जाएंगे. तो सी व्हाट इज ट्रेंड. ट्रेंड इज एन अज्यूम्ड डेवलपमेंट इन द फ्यूचर. एक हम लोग फ्यूचर की चीज अज्यूम ही कर सकते हैं. वी डोंट नो, हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता. वी कैन अज्यूम दैट विल बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन. कोई भी चीज पे लॉन्ग टर्म और लास्टिंग इफेक्ट होगा एंड इट इज रेडी टू चेंज समथिंग. जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, करंट डेवलपमेंट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन और इंटेंसिफाइंग इवन मोर. इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेंड सोचा जाता है. लाइक न्यूट्रिशनल ट्रेंड की हम लोग बात करें तो 1960s में क्या होता था, फैटी फूड होता है लाइक बटर, चीज. अब तो आप देखिए चीज के कितने सारी वेराइटीज है. वो चीजों को क्वालिटी ऑफ लाइफ माना जाता था. लेकिन व्हाट इज गोइंग दीस डेज, व्हाट इज देयर टुडे, द ट्रेंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग एंड वेगन न्यूट्रिशन. वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं. दिस इज इन ट्रेंड. अब दिस ट्रेंड इज रिलेटेड विद फूड, बट दिस न्यूट्रिशनल ट्रेंड सिर्फ इज नॉट रिलेटेड विद दैट. इसको ये रिटेल में आ गया है, दिस इज देयर इन केटरिंग, टूरिज्म, लीजर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर जगह पर ये ट्रेंड आ गया है रिलेटेड विद न्यूट्रिशन. तो एक चीज कहीं से उत्पन्न होती है तो वो हर जगह पे अपना रिफ्लेक्शन डालती है, उसको हम कहेंगे ट्रेंड. रिसर्च ट्रेंड क्या है? ट्रेंड्स यूजुअली डू नॉट इमर्ज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल. लोग जो काम कर रहे हैं उससे ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है. अब ट्रेंड होता कैसे है? ट्रेंड में कुछ दो लोग बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, देर आर अदर पीपल्स ऑल्सो, बट देर आर ट्रेंड क्रिएटर्स एंड देर आर ट्रेंड सेटर्स. लाइक यू नो रसोड़े में कौन था, आप लोग ने सुना होगा ना? यस मैम. तो यशराज मुखाटे है वो, उसने एक हफ्ते बाद जब रसोड़े में कौन था जो उसे लॉन्च किया था, उसने स्पेशली उसको लॉन्च नहीं किया था. पहली चीज तो उन्होंने जब वो डाला था उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि दिस इज द मोस्ट वंडरफुल वीक ऑफ माई लाइफ. उसको एक हफ्ते में इतने मिलियन सब्सक्राइबर उसे मिल गए. तो उसके दो साल पहले से वो वीडियोस बनाता था,
बट उसके बाद से हमने उनके सारे पुराने सारे वीडियोस देख लिए। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने सारी स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, सारे शॉर्ट वीडियोस, टिकटॉक सब कुछ देख लिया। तो ट्रेंड क्रिएटर्स अलग होते हैं और ट्रेंड सेटर्स। उसके बाद वही रसोड़े में कौन था, इतने सारे वीडियोस बने हैं उसके, वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। नाउ आई विल आल्सो डिस्कस के ट्रेंड्स में और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड यू हैव टू डिसाइड आपको किस कैटेगरी में जाना है। देर आर टेन क्रिएटर्स जो इनोवेशन लाते हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, लेकिन वो यूजुअली सेट करने में उन लोगों का फोकस नहीं होता कि हमें ट्रेंड सेट करना है। यशराज गुहाटे का कुछ इंटेंशन नहीं था ऐसा कि मैं, उसको अवार्ड भी मिला इस चीज से रिलेटेड। देन ट्रेंड सेटर्स होते हैं जो उसको, फॉर देम चेंज इज अ पॉजिटिव थिंग, हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, लोग सर्च करते हैं और इस चीज को अडेप्ट करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं दूसरों को। जैसे यहाँ पे अगर शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अगर यश सबको ही पता होगा इनफैक्ट यशराज मुखाटे के बारे में, तो मैंने BTS के बारे में लाइक मैंने कम्युनिकेट कर दिया, तो आई एम ट्रेंड सेटर, एक्चुअली आई एम नॉट, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेंड सेटर हूँ। देन ट्रेंड फॉलोअर्स, वो खाली देखते और फॉलो करते हैं ट्रेंड को। अर्ली मेन स्ट्रीमर्स आते हैं, उन लोग इनोवेशन के लिए दे आर हैप्पी, लेकिन उन लोग को कन्फर्मेशन चाहिए दूसरा सही कर रहा है, देन विल डू। ये बहुत पीछे वाले लोग होते हैं। लेटर मेन स्ट्रीमर्स जो होते हैं वो और पीछे वाले लोग। जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड। यस, देन वी आर हैविंग लेगार्ड्स, दे आर, वो इतने स्लो होते हैं लेटर मेन स्ट्रीमर्स। लाइक आज की डेट में अगर आप नया रिसर्च का वर्क कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग एकेडमिक इमोशनल इंटेलिजेंस लेते हैं, ठीक है, कोई दिल पे ना ले जिसका टॉपिक हो तो प्लीज, आई एम जस्ट टेकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने लिया, ठीक है, बहुत जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो नॉर्मली इंटेलिजेंट इंसान होगा उसको भी गिरा देता है इमोशनली स्ट्रांग इंसान। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। इफ एनीवन इज टेकिंग टुडे ऑल्सो ना, तो दे कैन बी इन द लेगार्ड्स की ग्रुप में आएगा। एंड दे एट लास्ट दे आर एंटी इनोवेटर्स, एंटी इनोवेटर्स भी लोग होते हैं, दे ऑलवेज टेक अपोजिट अप्रोच टू द ट्रेंड। ये टॉपिक तो चलेगा नहीं, ये टॉपिक ऐसा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो रिस्क टेकिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, रिस्क तो आपको लेना ही होगा। यू कैन टेक ऑलवेज टेक एग्जाम्पल ऑफ वो 26 साल के लड़के हैं BTS बैंड, तो पूरी दुनिया को धूम मचाए हुए हैं दुनिया में, और अभी आप ये नहीं महसूस करेंगे, इनके लिए कहा जा रहा है कि कमिंग 5 ईयर्स में वो सबसे बड़ा बैंड हो जाएगा वर्ल्ड का। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है, दे आर नॉट लाइक दैट। अब ये बात है कि हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है हमें ट्रेंड के लिए, कुछ हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर देयर एंड देयर आर साइकोलॉजिकल कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट, जो ट्रेंड बन गया है, जो ट्रेंड हो चुका है उसकी बात करें, ठीक है, इट इज ईजी टू अडेप्ट इट, दूसरे लोग उसको इजिली अडेप्ट कर सके, देर आर लिटिल एंट्री बैरियर्स, बैरियर्स बहुत नहीं होने चाहिए और बहुत एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट एक्सट्रीम, बहुत नहीं होना चाहिए, इजी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, देन ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, उसको लोग ऑब्जर्व कर सके, नोटिस कर सके और उसके कुछ नोटिस द चेंज एंड चेंज द एलिमेंट्स, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सके। आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर ऑलरेडी इन ट्रेंड। देन साइकोलॉजिकल में, ओनली व्हेन सेवरल डिफरेंट ट्रेंड सेटर्स ग्रुप पिक अप द ट्रेंड, जो ग्रुप, कुछ ग्रुप्स ने ट्रेंड पिक किया हुआ होना चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज ने ट्रेंड लिया हुआ होना चाहिए। लाइक आपको मैं बता दूं, इंडिया की कितनी सारी कंपनीज हैं, उन्होंने BTS को अपना ब्रांड के लिए, लाइक बटर सॉन्ग, दे सॉन्ग नेम इज बटर, तो अमूल बटर भी आप जल्दी देखेंगे, जल्दी जैसे लॉकडाउन के बाद मॉल्स खुलेंगे तो यू कैन सी बिग बाजार में सब जगह पे आपको BTS का बटर मिलेगा। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, इंडस्ट्रीज ने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया है और बहुत सारे उसके ट्रेंड सेटर्स हर ग्रुप टाइप का, हर एरियाज में उसके ट्रेंड सेटर्स होते हैं। लाइक आई सेड कि न्यूट्रिशन वाली चीज मैंने की, वो रिटेल में भी है, देन इट्स देयर इन एग्रीकल्चर, एवरीवेयर, उस तरीके से डिफरेंट नंबर्स भी होने चाहिए हर जगह पे। तो ये चीजें ट्रेंड ऑलरेडी जो है, हमें ये चीज क्यों सोचनी है, बिकॉज अगर हमें, इफ वी वांट टू सेट क्रिएट अ ट्रेंड, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है थोड़ा।
nothing goes overnight. What are the features? It is multidimensional. Multidimensional hota hai, most important thing. It risks at mistaking fads. हमेशा उसको फैड्स के लिए कहा जा रहा है. हम उसको फैड्स क्या होता है, जो फैशन आया और हो सकता है थोड़े टाइम में चला भी जाए, ट्रेंड थोड़ा लंबे समय तक चलता है. देन ट्रेंड टेक्स इनटू अकाउंट पॉसिबल डिसरप्टिव ट्रेंड्स विच इंपैक्ट ऑन डायनामिक एंड रियलिस्टिक सिनेरियो. ऑफ कोर्स हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है कि रियलिटी से वो कितना जुड़ा हुआ है और डायनामिक कितना है. तो इस चीजों के लिए क्या दिया, देयर इज अ ट्रेंड स्पॉटिंग गेम. हमें ऑब्जर्व करना है कि ट्रेंड सेटर्स, जो ट्रेंड सेट करते हैं लोग, उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं ट्रेंड को. हमें आज टाइम शायद नहीं मिलेगा, नहीं तो मुझे आप लोगों को बताना था कि ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, बिकॉज इट इज अ वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ थिंग, हाउ वी कैन चेक द ट्रेंड ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल. तो आई विल बी हैप्पी कि आप इस लेक्चर के बाद अगर खुद उसको थोड़ा सोचे, उस पर खुद गूगल करें, तो वो ये मेरे लिए ज्यादा लेक्चर फ्रूटफुल होगा इस केस में. देन देर आर इनोवेशन स्पॉटिंग. ट्रेंड रिसर्च लेज डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर मीनिंगफुल एंड कॉन्टिन्यूस इनोवेशन. आप लोगों को पता है सीसीई पैटर्न आया था? यस मैम. यस मैम. यस मैम. हम आई वॉज टीचिंग इन स्कूल एट दैट टाइम. तो सीसी पैटर्न के टाइम पर हमारी एक टीचर थी, एक और मैम थी, हिंदी. वो उन मैम ने कहा, एक स्टूडेंट था वो 9th, 10th से 11th. तो उस मैम ने कहा कि अगर सीसी पैटर्न नहीं होता तो इस बच्चे को भगवान भी पास नहीं कर सकते थे. और वो बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ था, लेकिन वो बहुत बुरे से पिटा गया, वो बंद खत्म हो गए में. और इस दौरान आप इमेजिन करिए कितने रिसर्च स्कॉलर्स होंगे जिन्होंने अपना वेरिएबल सीसीई पैटर्न रखा होगा, सीसीई पैटर्न पे. इमेजिन करिए, उनकी रिसर्च स्टार्ट हुई, जब तक उनका फाइनल वाया हो रहा है, सीसीई पैटर्न 2 साल पहले ही बंद हो चुका है. इमेजिन करिए कितना बुरा हाल है. दिस इज हैविंग अ, वी शुड हैव फ्यूचरिस्टिक, बट आज की डेट में अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज देयर. फिर से फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है, जो 10th में हम लोग, मेरे ख्याल से 5 साल पहले हम लोग छोड़ चुके हैं उसको. फिर से उसकी बात की जा रही है, हायर एजुकेशन में उसको लाने की बात की जा रही है. फॉर्मेटिव असेसमेंट फिर से आ रहा है, बट हमें ध्यान रखना है क्योंकि पीएचडी तो एक सब्जेक्ट में एक ही बार होती है, जो आपके साथ लाइफ टाइम लगी रहती है. तो हमें इनोवेशन स्पॉटिंग जरूर रखनी है. वी हैव टू चेक वेदर देयर इज अ स्कोप ऑफ कंटीन्यूअस इनोवेशन इज देयर और नॉट इन एनी ऑफ द वेरिएबल. Then there is a अब आज के जमाने में ये भी है, लोग सिर्फ सुनना नहीं चाहते, वो अपनी चीजें भी शेयर करना चाहते हैं. तो वी हैव टू बी ओपन फॉर दैट थिंग ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ अवर टॉपिक, एजुकेशन रिसर्च की ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे अभी. वॉट आर द थ्रस्ट एरियाज, पहले तो थ्रस्ट एरियाज करें. अच्छा, ये एरियाज मैंने खुद नहीं फाइंड किए, I just took the syllabus given by NEP, जो हम लोग ने 4 years का बनाया है, हमारा जो बना है यूनिवर्सिटी 4 years का, जो NCERT ने दिया है, वो लाइक वी हैव, उनसे ही मैंने, आई हैव टेकन दीज नेम ऑफ द पेपर्स. एजुकेशन साइकोलॉजी हमने पढ़ा है सबने, देन इट इज टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, दिस इज टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन. देन देर इज फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, अभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी दे दिया इसको. देन देयर इज अ करिकुलम डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन आ गया है अभी, असेसमेंट ऑफ एंड फॉर लर्निंग, असेसमेंट मेजरमेंट इवैल्यूएशन, ये सब में हम देखते हैं. देन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी अब आ गया है, विच वाज नॉट देयर बिफोर. देन मैनेजिंग एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसको हम स्पेशल एजुकेशन में भी चीजें ले सकते हैं, इंक्लूजन रिलेटेड. देन एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक सब्जेक्ट रहा है, स्कूल एजुकेशन को स्पेशल दिया है. एंड देन देयर इज अ प्रोफेशन ऑफ टीचर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. ये कुछ एरियाज हैं, हो सकता है कुछ एरियाज मैंने मिस कर दी हो, टीचर एजुकेशन हो गया, आई थिंक आई हैव मिस्ड फ्यू एरियाज, बट ये मेजर एरियाज जो हम लोग ने पढ़ी है, MEd, BEd और ये सब में, ये हमें सब पता है.
भाई इसमें से ये सब आप लोग ने पढ़ी होगी, हमारी जो फील्ड के एजुकेशन वाले जितने भी हैं, यस और नो? यस मैम। एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को एक बार बता देती हैं। अरे अब सब बताएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो जितना क्वेश्चंस आपके में आ रहे हैं ना, मैं कोशिश करूंगी उसके आंसर्स नहीं दूं, मतलब मेरी इच्छा रहेगी आप लोग खुद अंदर उसको जगा के उसकी सर्च करें। अभी इस पे आएंगे हम लोग, अभी पूरी दुनिया यही जाने वाली है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ही जाने वाली है। और अब मुझे ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं है जब यूनिवर्सिटीज के भी शेयर्स होंगे और स्कूल्स की जो चेन है उसके भी शेयर्स आएंगे और टीचर्स को भी उनमें से शेयर्स का कुछ हिस्सा दिया जाएगा, नहीं तो उस पे केस कर देंगे टीचर्स, नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एक लॉ का भी सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टीचर तो कहीं ना कहीं केस करने की बातें करता ही है और सोचता ही है, तो एक लॉ का भी सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए ताकि टीचर्स लोग वकीलों को ज्यादा पैसा ना दिया दें। वेल अब एजुकेशनल रिसर्च के क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स है? यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी टू रिमूव फोबिया, फोबियाज होते हैं लोगों को, उसको रिमूव करने के लिए वर्चुअल रियलिटी को यूज किया जा सकता है। Then there is a virtual presence. I am just naming the things और उसको short में explain कर रहे हैं। ये कुछ areas पे हम लोग work कर सकते हैं। Be it on the thesis or the research paper या तो और कुछ नहीं तो आप उसपे अपना blog लिख सकते हैं। Blog लिखने की start करिए, अपना blog लिखिए, क्योंकि देखिए reading बहुत important है and then writing is very important. Read करिए, ज़्यादा से ज़्यादा read करिए और उसको लिखिए, तो blog बनाइए धीरे-धीरे अपना। तो वर्चुअल रियलिटी को हाउ वी कैन यूज टू रिमूव फोबिया, दिस कैन बी द टॉपिक। वर्चुअल प्रेजेंस सिस्टम, वर्चुअल प्रेजेंस सिस्टम क्या है? लाइक आई एम, मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग अ लेक्चर, देन देयर कैन बी, आप सोचिए गांव में लोग कर रहे हैं चीजें, पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उनको भी तो वो प्रेजेंस वाला चीज आना चाहिए ना, आपको वो प्रेजेंस फील भी तो होना चाहिए ना। वर्चुअली क्लास हो रहा है, वर्चुअल प्रेजेंस होना चाहिए, क्लास जैसा लगना तो चाहिए क्लास जैसा, क्योंकि मुझे लगता है अप्रैल और मई में लोगों के घर जब एसी चलते थे और टीचर्स क्लास लेती थी तो टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी सब लोग अपनी अपनी ब्लैंकेट में लेकर क्लास लेते थे, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने और हम तो कितनी बार स्टूडेंट्स को गलती से देख भी लेते ये चीजें लेटे हुए सोते हुए, तो वर्चुअल प्रेजेंस भी तो होना जरूरी है। देन एप्स विच रिकॉर्ड द मूड एंड द मूवमेंट्स, आपको पता है ना एप्पल की वॉच कितने सारे मूड और मूवमेंट्स चेक करती है, उसी तरह ऐसे कुछ एप्स होने चाहिए जो फिर उसको एकेडमी की तरफ ले जाए। देन देयर इज अ प्रोवाइडिंग केयर एंड इनोवेटिव केयर इन इनोवेटिव वेज, केयर प्रोवाइड करने का लेकिन इनोवेटिव वेज में, डिफरेंट तरीकों से, क्योंकि अब हम लोग कोरोना में आ गए तब हम दादी माँ के नुस्खे सुन लेते हैं, नहीं तो हम लोग बिल्कुल सुनते ही नहीं थे क्या है, तो इधर भी इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। देन प्रोवाइडिंग केयर अंडर डिजिटल मेंटल स्ट्रेन, अभी तो जितना एक्टिवली सारा टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ये वो सब कर रहा है, बट वी डोंट नो कमिंग इयर्स में टीचर्स का क्या हाल होगा, आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स वी डोंट नो कि टीचर्स किस मेंटल स्ट्रेन पे पहुंचे होंगे। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, इस पर किसी ने वर्क, बहुत कम काम हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन के, स्टूडेंट्स पेरेंट्स, उनका लाइफ, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स मैनेजमेंट, इनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। देन इफेक्ट ऑन एकेडमिक्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लाइक वी सी हम लोग दिल्ली लखनऊ में देखते हैं 44 डिग्री 45 डिग्री पहुंच गया है टेम्परेचर, तो क्या होता है डीएम ने स्कूल बंद कर दिया, ये हम लोग सुनते थे, ठीक है, बट इसके बाद उस पर वर्क क्या हुआ है? इतने सालों में छुट्टियां होती है, ठंड में छुट्टियां हो रही है, गर्मी में, लेकिन वॉट वी आर वर्किंग ऑन इट, उस पर काम क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। देन इंटीग्रेटिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत मुश्किल से सिलेबस में आया पर उसको भी अभी भी इजी सब्जेक्ट माना जाता है, स्टिल स्टूडेंट्स डोंट टेक इट सीरियसली, और हमको अब मेंटल हेल्थ को भी इंटीग्रेट करने की बात करनी चाहिए। देन सोशल इमोशनल लर्निंग, हम लोग
सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस या ESI इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, ESI हम लोग पढ़ते हैं, या इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस अलग अलग पढ़ते हैं। ESI पे भी काफी कम काम हुआ है। And all the attendees who are not getting the voice, they may refresh their device. Rejoin bhi kar sakte hain aap. Yes. So emotional, social emotional learning, intelligence to hume pata hai, haan ye bachcha intelligent hai ye nahi hai. Lekin usko learning to karwaiye na. Aap kyun na school mein ye cheeze dali jaye, to kyun na is par model banaya jaye ki emotional social emotional learning ko kaise kiya jaye. एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज सेल्फ केयर, इट्स नॉट लास्ट, उसकी ट्रेंड्स की तो कोई एंडिंग नहीं, सेल्फ केयर। अभी हमने देखा बहुत सारे टीचर्स सेकेंड वेव में कोविड के कारण बहुत सारे टीचर्स के साथ कैजुअलिटी हुई, तो सेल्फ केयर सबको करनी चाहिए। हम कुछ भी किसी को भी ब्लेम करें, कुछ भी करें, पर जो इस दुनिया में नहीं रहा उसकी स्टोरी खत्म, दैट पर्सन इज नो मोर, उसकी स्टोरी खत्म हो गई। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेल्फ केयर, सेल्फ केयर, टीचर्स को सेल्फ केयर करना चाहिए। तो सेल्फ केयर की क्या चीजें होनी चाहिए उस पर रिसर्च होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन VR रूब्रिक, रूब्रिक एक असेसमेंट टूल होता है, तो VR रूब्रिक पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर लेवल पे चेक किया जाए, असेसमेंट से, टीचिंग से, एवरीथिंग। देन डिजाइनिंग पीपल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काम किया किसी ने यहाँ पे, LMS पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग बहुत पीछे हैं अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, तो बहुत पीछे हम लोग। आप लोग अनम्यूट करके कह सकते हो, बिकॉज मैं चैट बॉक्स, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द चैट्स, सो यू कैन प्लीज स्पीक इट इन बिटवीन, क्योंकि आई विल बी हैप्पी इफ वी आर डूइंग बोथ वे इंटरेक्शन इज देयर। यस मैम, आई हैव ट्राइड टू डेवलप माय ओन LMS टू वेबसाइट। गुड गुड। तो अब LMS पे बहुत सारे टीचर्स लोग इसके खिलाफ थे, तो हम कहेंगे हमें कोई भी टेक्नोलॉजी पीपल फ्रेंडली लानी चाहिए। देन देयर इज अ ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, ये तो अब UGC ने भी दे दिया है इसका कि आप इस पर काम करिए। ब्लेंडेड लर्निंग में तो कोई देयर इज अनलिमिटेड स्कोप, आप अपना किस तरीके से भी मॉडल डेवलप कर सकते हैं। देन देयर इज स्टीम करिकुलम, पहले स्टेम चलता था, फिर इसमें आर्ट्स भी आ गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स स्ट्रीम आ गया। देन देयर इज अ जीनियस आर, बाइट साइज लर्निंग। अब आज की डेट में आप लोग देखते हैं वीडियो खोला और 5 मिनट का भी वीडियो है, तो हम लोग उसको देखते नहीं है, देखता है कोई 5 मिनट का वीडियो। और टिकटॉक के 30-30 सेकेंड वाला वीडियो हम लोग बहुत घंटों तक देखते हैं जो फेसबुक पे आता है। तो बाइट साइज लर्निंग भी अब जल्दी ही आ जाएगा, उसमें क्या होना है, छोटी छोटी चीजें बच्चों को कम स्पैन में सिखाई जाएगी और बाकी का टाइम वो अपने आप चीजें लर्न करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गेमिफिकेशन, डिजाइन थिंकिंग, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी में है। इनसे आप अगर इफ यू पीपल आर नॉट गोइंग टू थीसिस लेवल पे नहीं जा रहे, तो रिसर्च पेपर पे जरूर स्टार्ट करिए, इस पे ब्लॉग से स्टार्ट करिए, उनको पढ़िए। देन फिलोसफिकल रिसर्च में हम लोग कुछ अलग अलग फिलोसफीज का कोरिलेशन कर सकते हैं, जो एकदम एक्सट्रीम होती थी उनका भी हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं। और यस, देयर इज कल्चर कॉम्पिटेंट टीचर्स, टीचर्स आज की जो जनरेशन है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये जनरेशन कभी आप पढ़िएगा, मैंने आज स्लाइड इसमें शेयर नहीं किया इसका, तो जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें से बहुत सारे लोग, हम लोग अपने बच्चों को कल्चर नहीं दे रहे हैं, तो हमें आज की डेट में कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए, जो कल्चर कॉम्पिटेंट टीचर्स हो। और वो टीचर्स, दे शुड नॉट बी रिलेटेड विद ओनली वन कल्चर से ही होना चाहिए, उनका काफी कल्चर से उनका, दे शुड लर्न थिंग्स फ्रॉम मेनी ऑफ द कल्चर्स, तो उस लेवल पे भी हमें काम कर सकते हैं हम लोग। देन ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन,
वेलनेस मॉडल बना सकते हैं, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, ये सब भी चीजें हैं कुछ है, ये दीज आर ओनली फ्यू थिंग्स. इनको और अच्छे से सर्च करेंगे बहुत कुछ मिलेगा आपको. तो अब वो जमाने नहीं रहे हैं कि यू आर टेकिंग, आप अपनी थीसिस में 5 वेरिएबल ले लिया और उनके साथ ही आप खेल खेल रहे हैं, वो अब बहुत आउटडेटेड हो गया. 5 वेरिएबल की किसको जरूरत है, आप एक होलिस्टिक मेजरमेंट उसको ले लीजिए. हु इज टेलिंग यू टू टेक 5 वेरिएबल्स? मतलब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मिलाने से बिरयानी ही बनेगी, हो सकता है खिचड़ी भी बन जाए. ठीक है, तो यू कैन टेक वन थिंग, फाइन. देन कमिंग टू असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया. मैंने कहा कि पहले वो पिट चुकी थी चीज, अब वो फिर से ट्रेंड में आ रही है, लेकिन उसमें भी स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. वो उसके कुछ लूपहोल से तब वो उस समय हटाई गई थी. स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग होना बहुत जरूरी है, इस पर वर्क किया जा सकता है अच्छे से. होलिस्टिक मेजरमेंट, आप खुद इमेजिन करिए, यहाँ पर कुछ पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, बहुत सारे कैटेगरीज के ग्रुप, बहुत लोग हैं इसमें. जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट था जो बहुत बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था. आई एम नॉट सेइंग पढ़ाई में खराब था, पढ़ाई नहीं करता था वो, क्या वो सक्सेसफुल है कि नहीं आज की डेट में? है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा. कितने तो विदेश में बैठे होंगे और बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, और आप देखेंगे फेसबुक पे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं. ठीक है, यस मैम, दैट्स ट्रू. तो उन पर कभी स्टडी की है? हम लोग स्लो लर्नर पे स्टडी करते हैं कि जिसको जिसको लर्निंग नहीं आती है, अरे उस पे तो स्टडी करो जो लर्निंग करना नहीं चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है. ऐसे भी तो लोग होंगे, नहीं हमको नहीं पढ़ना है, हमको कुछ और करना है अभी. तो होलिस्टिक मेजरमेंट की भी हम लोग बात कर सकते हैं. किसी को मेजर करिए, आप पूरे होलिस्टिक मेजर करिए. देन रियल टाइम डाटा ड्रिवन इनसाइट, अभी का अभी बच्चा क्या कर रहा है, तुरंत 15 मिनट्स का टास्क दे दिया, उस पर बात करिए. कॉन्टिन्यूस असेसमेंट भी फिर आई सेड की फिर से आ गया है. देन शिफ्ट इन स्कोरिंग, जो हम लोग मार्क्स पे रहते हैं उसको ग्रेड्स पे लाया जा सकता है, रूब्रिक पे लाया जा सकता है. एंड फीडबैक बेस्ड, फीडबैक हम लोग बहुत पहले छोड़ चुके हैं. स्किनर फीडबैक दो तुरंत, स्किनर क्या कहता था, जितने भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी क्या कहते थे, फीडबैक देना है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो फीडबैक तो दीजिए आप, 6 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, 4 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, वो मायने नहीं रखता था. आप तुरंत फीडबैक दीजिए, देखिए लर्निंग कितना जल्दी होती है. देन इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट होलिस्टिक एबिलिटीज, क्योंकि आज की डेट में तो झाड़ू मारने का भी स्कोप है. यूएस में जाइए, यूके में जाइए, दे आर अर्निंग इन लैक्स. तो स्कॉलिस्टिक से बाहर आके पोस्ट स्कॉलिस्टिक देखिए, बहुत कुछ है. इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल चेक करने का स्केल बनाइए, कैरेक्टर एंड कंडक्ट चेक करने का, रेगुलरिटी, ग्रुप वर्किंग, इसका एक कंबाइंड स्केल बना के उस पर वर्क किया जा सकता है. देन फैकल्टी डेवलपमेंट हो रहा है, देन असेसिंग फैकल्टी डेवलपमेंट, फैकल्टी को असेस करिए अच्छे से. वो एपीआई स्कोर पे तो असेस होते ही है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें और भी कर रहे होते हैं जो असेसमेंट में कहीं काउंट नहीं होती है. देन रिसर्च फॉर मेजरिंग फैकल्टी लर्निंग, फैकल्टी कितना लर्न कर रहा है. देन ग्लोबल लर्निंग असेसमेंट, ये बहुत अच्छी चीज है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसे स्केल कुछ होनी चाहिए जो ग्लोबली उसको एक्सेप्टेबल है. लाइक विदेश में जाना है हमें, वहां पढ़ाई करनी है, तो आईएलटीएस टोफल आप एग्जाम देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके बैंड काफी जगह पे स्टैंडर्डाइज है, इन पर भी वर्क किया जा सकता है. देन करिकुलम में जैसे 2020 उसका एनालिसिस करिए, लूप होल्स क्या है. दीज कैन बी शॉर्ट रिसर्च पेपर टाइप. आप करिकुलम का एनालिसिस करिए पूरा. देन अक्सर जो बीएड में टीचर्स है वो उनको पढ़ा जाता है, उनका एक्स वाई जेड एटीट्यूड क्या है, ये क्या है. कभी आप उन पर प्रीटेस्ट पोस्टेस्ट ये लगाया जाए कि वो व्हाट वाज देयर पर्सनालिटी बिफोर ट्रेनिंग एंड व्हाट वाज देयर पर्सनालिटी आफ्टर ट्रेनिंग. व्हेन आई वाज टीचिंग, व्हेन आई वाज अनट्रेन्ड टीचर, मेरा पहला दिन क्लास का था और मुझे 11th के बच्चों ने रुलाया था बकायदा क्लास में. दिस आई रियलाइज्ड के ये अनट्रेन्ड
का रीजन था। और मैं कभी कभी मुझे एक दो बार प्रिंसिपल ने टोका, आप टेबल पे, यू आर सिटिंग ऑन टेबल एंड टीचिंग, दिस इज दीज आर द ट्रेड्स ऑफ अनट्रेन्ड टीचर। पर टीचर ट्रेन हो गया उसके बाद प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करके उनमें क्या ट्रेड्स आए हैं, उनमें क्या एट्रीब्यूट्स डेवलप हुए, उन पर स्टडी की जाए, ये न्यू चीज है। स्टैटिस्टिक्स में मैंने यहाँ पे लगाया विच स्टैटिस्टिक्स वी कैन यूज, यूजुअली पीपल गो फॉर टी टेस्ट, एक टी टेस्ट लगाते हैं बस। हमारा एजुकेशनल रिसर्च में ये बहुत कॉमन है टी टेस्ट। आप मैनेजमेंट की रिसर्चेस देखिए, उन लोग क्या क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत कम लोग, किसी ने सीएफए लगाया, ईएफए सीएफए लगाया किसी ने यहाँ पे? यस मैम, आई एम यूजिंग सीएफए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। एसईएम लगाया किसी ने? एसईएम ये, और यही मैनेजमेंट की क्राउड बैठा होता तो हर रिसर्च स्कॉलर को उसमें लगाना आता है। वो किसी को काम दे, डोंट गिव काम और वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टू द पर्सन, जहां वो पे करके स्टैटिस्टिक्स लगवाएंगे। बट स्टूडेंट्स ये सब से बाहर आइए, अपना काम खुद करिए, क्योंकि आपका काम तो हो जाएगा, आप फ्यूचर में किसी के गाइड बनेंगे ना, तो उन 5 लोगों को 10 लोगों को 50 लोगों को बर्बाद करेंगे। तो एक बहुत अच्छे गाइड बनने के लिए पहले तो एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस, जो एलएमएस है, ठीक है। अब एलएमएस मुझे 2-3 रिप्लाई खाली आया एलएमएस का, लेकिन मैं बता दूं अब एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लोग आएंगे तो सारे स्कूल में एलएमएस बिक चुका है। हम लोग मार्च में लॉकडाउन में घर पे बैठे थे, अप्रैल 2020 से जितने भी बिजनेस करने वाले लोग थे, व्यापार वाले, ठीक है, उन्होंने अपना एलएमएस बना के स्कूलों में सेल कर दिया। एक साल उनको फ्री दिया, नाउ दे आर चार्जिंग। और कितना चार्ज कर रहे हैं पता है? मात्र 100 रुपया एक स्टूडेंट से, स्कूल वाले। और इमेजिन करिए एक स्कूल में 4,000 बच्चे हैं, 4,00,000 रुपए एक महीने का, जस्ट फॉर, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अगर आपको अपनी चीज बेचने नहीं आएगी, पहले तो वो चीज उस लायक बनाइए कि वो बिक सके मार्केट में। देन एआई फॉर फेयर मींस ऑफ एग्जामिनेशंस, हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने आ गया गूगल फॉर्म पे। और आपको पता है ये जो फरवरी का टाइम था उसमें सारा बच्चा परेशान क्यों था? बिकॉज दे वर कंफ्यूज कि हमारा एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। साल भर तो ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है ताकि एग्जामिनेशन फेयर मीन से हो, बच्चा चीटिंग ना करे इस पे। डिजिटल एथिक्स एंड प्राइवेसी, ये स्टूडेंट्स को भी नॉलेज होना चाहिए, टीचर्स को भी नॉलेज होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद प्राइवेसी ऑफ डेटा एंड ऑल। कॉस्ट मैनेजमेंट इन एजुकेशन, अब ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों का इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है और कन्वेंस बच रहा है, इवन स्टूडेंट्स का भी कन्वेंस बच रहा है, बहुत सारी चीजें बच रही है। यूनिफॉर्म, मैंने अपने बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं खरीदा है स्कूल का 2 साल से। वैन वाले को 1 साल पैसा दिया, अभी नहीं दे रहे। कॉस्ट मैनेजमेंट, पैसा बच रहा है ना उन लोगों का, तो कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है? एंटरप्रेन्योरशिप पे, एंटरप्रेन्योरशिप का आप लोग 4 ईयर्स का आप सिलेबस भी देख लेंगे, इंटीग्रेटेड बीएड का, हायर एजुकेशन, यूपी हायर एजुकेशन में भी तो सिलेबस इज देयर, यू कैन गेट मच आइडिया। एक पार्टिसिपेंट पूछे थे। देन देयर इज अ टेली एकेडमी फैसिलिटीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है ना फार्मर्स के लिए भी वो फैसिलिटीज आ गई है, कब से आई है? ईटीवी पे आता है ना, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे क्या आता है? फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉल एंड आस्क द प्रॉब्लम, है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम वो फॉर्म आया फॉर्म 50, हमारे जितेंद्र सर है, पहचानते हैं जितेंद्र सर को? जितेंद्र सर को कोई पहचानता है? जितेंद्र गोयल सर, एवरीवन नोज हिम। हां यस मैम, सर हम लोग यहां फॉर्म लगे। हां हम लोग उनको ही कॉल करते हैं, सर ये कैसे करना है? तो इसमें बहुत स्कोप है, इसमें स्कोप रिसर्च का तो है ही, लेकिन इसमें पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। टेली एकेडमी फैसिलिटीज में एक्सपर्टीज एरियाज रिक्वायर्ड इन एजुकेशन इंडस्ट्री, पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग की जरूरत है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं, उनकी नौकरी की जरूरत है, उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज बहुत चल रहा है, वाइट हैट जूनियर कितना मार्केटिंग किया,
तो लोगों ने पकड़ लिया उनका क्या प्रॉब्लम था, बायजूस बहुत सारे लोग आ गए, ये लोग डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं पता नहीं, मैं ट्रू कॉलर में वो जियो सावन चल रहा है और उसमें बायजूस का एड पता नहीं कहाँ से आ गया, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। और देन एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, अब कंसल्टेंट्स की भी जरूरत है, जरूरत नहीं ये भी चल रहे हैं बहुत, दे यूज़ टू चार्ज 5000 और 1000 500 और 1000 रुपीज, वो टेस्ट करवाते हैं कुछ एंड देन दे से कि हाँ आप ये फील्ड में जाइए आप वो फील्ड में जाइए। तो ये हम लोग एजुकेशन फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, टीचिंग फ्रेटर्निटी से हम लोग, वी कैन वर्क ऑन दिस थिंग, इस पे बहुत अच्छा स्कोप है। जो मैनेजमेंट के बंदे ये सब फील्ड ले जाए इससे अच्छा, इससे बेटर होगा बीएड और एमएड के टीचर्स इस पर फोकस करें इनपे। देन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इंटेंशनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल और ये सब की बात करते हैं लेकिन कितना हम डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। कोई यूनक अगर आपके पास आ गया, यूनक पता है ना आपको, यहाँ तो ये चीजें चल रही है, हिंदू के पेरेंट्स मना कर रहे हैं बच्चे को कि बच्चे क्लास के मुस्लिम बच्चों से नहीं कर रही है, पर दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो हम लोग डाइवर्सिटी, जबकि इंडिया सब डाइवर्सिटी में सबसे लाइक हर चीज में डाइवर्सिटी है, फूड में, लैंग्वेज में, कल्चर में, एवरीथिंग, तो डाइवर्सिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए इंटेंशनली। देन हमें कल्चर को प्रमोट करना चाहिए और एम्पैथी हमें प्रमोट करनी है। और क्या हम ये सोचते हैं इनक्स को हम लोग रखते हैं प्रोस्टिट्यूट्स, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में कभी सोचा है, वहां तक डाटा कलेक्शन की चीजें सोची है? अब इंडिया कहाँ पहुंच जाएगा जब एक यूनक्स की पूरी, जितने भी ये लोग हैं आपका थर्ड जेंडर, ठीक है, इन लोग खुद प्रोग्रेस करके अपना बिजनेस खोल देंगे, दे ओपन देयर ओन यूनिवर्सिटी, तब इंडियंस दे से कि दे हैव डन गुड जॉब। लेकिन हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी से कोई इस पर वर्क करना नहीं चाहेगा, क्यों? डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता है। अरे कुछ अलग काम करिए, कुछ मेहनत करिए, तभी तो चीजें होंगी। देन लर्निंग इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी, हमने बता दिया ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको प्रॉब्लम को इम्प्रूव करिए, अपनी रिसर्च को क्वालिटेटिव भी बनाइए हमेशा। हाइब्रिड एकेडमिक टीम, हाइब्रिड एकेडमिक टीम दैट मींस इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स का एक्सपर्टीज लीजिए। And there is smart spaces. Smart spaces मतलब everywhere there should be like, अभी online तो हमको force तो online teaching में हम लोग आ गए, पर उसको क्या हमने अच्छे से अभी तक पूरा अपनाया है या हर चीज हम लोग to the point उसमें भी कर रहे हैं? नहीं। तो that is smart spaces. Then flexible seating, like सब लोग अभी flexible seating में बैठे हैं, जो school में जिस तरीके से बैठते थे या college में seminar हो रहा था तब कैसे बैठते थे, बट राइट नाउ वी ऑल आर इन फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट। इससे टीचिंग लर्निंग पे क्या इफेक्ट आता है, उस पर स्टडीज हो सकती है। देन देयर इज वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, वर्चुअल का भी बहुत चल रहा है, जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, वहां पर वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स पे भी वर्क हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कैंपस कम्युनिटी पार्टनरशिप, ये सारी चीजें नैक में भी है, सब जो भी हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं ना, ये सब चीजें नैक का भी पार्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका कस्टमर तो मिल जाएगा ये सब चीजों की रिसर्च का। गाइडेंस काउंसलिंग में टेली काउंसलिंग, टेली गाइडेंस, अब तो डॉक्टर्स भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देकर गुड अमाउंट एंड लाइक दैट, तो क्यों ना हम टेली काउंसलिंग और टेली गाइडेंस पे भी वर्क कर सकते हैं, उसका मॉडल बन सकता है। तो दिस वॉज ऑल अ रफ ड्राफ्ट आई से, क्योंकि देयर इज एन एंडलेस टॉपिक जो ट्रेंड में चल रहे हैं, बट आपको ध्यान देना है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले प्रेजेंट रिसर्चेस की कलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू फाइंड के डेरिवेशन ट्रेंड का क्या है, रिसर्च में क्या डिराइव हो रहा है ट्रेंड का, उसको डिवाइड करिए कि कौन कौन से डिसिप्लिन से ये मैच कर रही है चीजें, और ट्रेंड को चेक करिए फिर, देन आप अपने ट्रेंड को चेक करिए कि या ये फ्यूचर में आगे उसका थोड़ा भी पोटेंशियल है, वी कैन मूव इट फर्दर, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, इनोवेशन और स्ट्रैटेजी के लिए आगे इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई एम गेटिंग स्टूडेंट रिक्वेस्ट आल्सो, तो इसमें हमें करना क्या है एज एन इंडिविजुअल, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्रिएट करना है सबसे पहले चीजें,
अब आप लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ के-पॉप, बीटीएस का मैंने एग्जांपल दिया था, तो बीटीएस के फॉलोवर्स को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा फॉलोवर्स को क्या बोलते हैं बीटीएस के? मैम आर्मी. आर्मी, ठीक है. उन्होंने बीटीएस में वो ब्लैक लाइव्स मैटर जब हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर, तब उन्होंने बीटीएस ने कुछ बहुत अच्छा पैसा डोनेट किया था, आप सर्च करिएगा, 1 मिलियन कुछ डोनेट किया था. नाउ दे आर रोल मॉडल, उसको फॉलो करते हुए जो उनकी आर्मी है, उन्होंने भी एक हैशटैग करके लाया कॉन्सेप्ट कि अब हम लोग भी उतना पैसा इकट्ठा करके वो करेंगे, डोनेट करेंगे, चैरिटी भी करेंगे. तो दोज आर फॉलोवर्स, इतना फॉलो करते हैं. लेकिन आपको डिसाइड करना है आपको ट्रेंड क्रिएटर बनना है या ट्रेंड सेटर बनना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आर्मी है, ठीक है, मेरी बेटी भी उसमें से एक है, तो आई यूज टू टेल हर कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप उनके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो जो आपके नहीं है कभी भी. आप थोड़ी वो आर्मी बन जाओगे, वो आप थोड़ी बीटीएस के बैंड का वो बन जाओगे, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे. तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी द क्रिएटर और सेटर. लेकिन क्रिएशन करने के लिए आपको ओरिजिनल थॉट्स होना जरूरी है, और कुछ भी ओरिजिनल थॉट्स आता है, कुछ भी नॉवेल चीज आती है, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, बैक टू बेसिक्स, जस्ट गो टू द कोटेड टेक्स्ट. आप अपने कोई भी पुराने साहित्य उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, गीता और संस्कृत वेदास, कुछ भी उठा लीजिए आप, तो उनमें से आप उठा लीजिए, आपको उससे रिलेटेड चीजें 100% मिलेगी. फिर आप उसको नेचर से कनेक्ट करिए. आपने देखा है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, जो स्पाइडर होता है, वो कैसे अपना वेब बना रहा होता है, वो कहीं यूनिवर्सिटी से सीखा है क्या? बी कैसे अपना बी बनाती है, वो कितना अलाइनमेंट होता है, प्रॉपर होता है, हर चीज, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद नेचुरल फिनोमेना, उससे कनेक्ट करिए. देन नोबडी कैन स्टॉप यू इस वर्क को ओरिजिनलिटी पे ले जाने के लिए, इसको क्रिएटिव करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है. तो ये चीज करनी है. बट एज एन इंडिविजुअल आप कुछ भी कर लीजिए, बट पब्लिक सिर्फ उसको सपोर्ट करती है जो उस साइंस को सपोर्ट करती है जो इंस्टीट्यूशंस रिसर्च कंडक्ट करवाती है, इंस्टीट्यूशन से जो रिलेट करती है उसको ही सपोर्ट करती है पब्लिक, उसी साइंस को सपोर्ट करती है. तो आपको भी सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, आप लोग उसके ट्रेंड चेक करेंगे, ठीक है. ट्रेंड को एनालिसिस करने के डिफरेंट तरीके मैंने बता दिए, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो आई वॉज प्लानिंग कि मैं आप लोगों को ट्रेंड कैसे चेक करते हैं वो भी बता दूं, बट आई विल बी मोर हैप्पी आप लोग खुद देखें, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो इट कैन बी हैपन इन नेक्स्ट इन अ वर्कशॉप शॉर्ट ऑफ थिंग, तो क्योंकि वो टाइम लेगा चीजें. तो आप ट्रेंड चेक कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका जनरलाइज कैसे करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं. एंड एट द एंड आई विल जस्ट डू इट वेरी स्पीडीली. जो रिसर्चर्स इनोवेशन लाना चाहते हैं और ट्रेंड डेवलप करना चाहते हैं, वो मतलब उन चीजों को एक्चुअली वो देखना है, उनको चेक करना है कि एक्चुअली वो इनोवेशन जाएगा और एक्चुअल चेंज स्टेक होल्डर्स में लाएगा कि नहीं लाएगा. स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, इन सबको उनका आइडिया अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये इनको फोर्स ही करना जरूरी है. यस, दे आर अवेयर ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, उनको पता होता है कि इनोवेशन की स्पेसिफिक नीड्स क्या है. देन उन लोग में उनको पता है कि उनका आइडिया है, वो कैसे लोगों का परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन चेंज कर सकता है फ्यूचर के लिए, वो खुद उनको पता है इनका ट्रेंड दूसरी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज में कैसे आएगा, कैसे डाइवर्सिफाई करेगा. तो दिस वे दे फाइंड के एक इंटीग्रेटेड चीज होनी चाहिए मिली जुली जो वो प्रेजेंट कर सके. तो दिस इज यूजुअली अ साइकोलॉजी ऑफ अ, वी कैन से ट्रेंड क्रिएटर, ठीक है, नॉट अ रिसर्चर. और हर रिसर्चर को आई फील ट्रेंड क्रिएटर होना चाहिए. दे शुड नॉट टेक एनी ऑफ द टॉपिक विच इज स्टेल, पुराना, बहुत सड़ा हुआ टॉपिक नहीं लेना चाहिए. सब चीजें आउटडेटेड होगी. आप एक वेरिएबल पे काम करिए, बहुत अच्छे से डीप काम करिए, उसको बेस स्टडी बनाइए, कंट्री में पहला काम कर सकिए. तो दिस वॉज ऑल टूडे. मैंने कुछ चीजें छोड़ी है, लाइक मैंने अप्रोचेस पे बात नहीं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स्ड अप्रोच, उस पर मैंने बात नहीं किया. और
बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो लास्ट में मैं बस आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी एट द एंड. बाय द टाइम एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज आर देयर तो वी कैन डिस्कस. मैम मैं चैट बॉक्स देख रहा था तो मुझे प्रसन्नजीत राय का क्वेश्चन मिला है. हाउ रिसर्चर विल एक्सप्लोर द न्यू ट्रेंड्स इन एनी डिसिप्लिन फॉर ड्यूरिंग रिसर्च. जी सबसे पहले तो आप जो भी काम करना है आपको, यू जस्ट डू इट विथ योर हार्ट, जो दिल में आपके, बिकॉज देखो जब तक 5 years की रिसर्च है, इफ यू आर नॉट वर्किंग विथ योर हार्ट ना तो वो मजा नहीं आएगा काम में. देन यू हैव टू कन्विंस योर गाइड कि मैं इस टॉपिक पे काम, इस एरिया में काम करना चाहता हूँ. हमारे इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि लाइक जो आपका गाइड है वो दूसरी एरिया को बिलोंग कर रहा है तो वो अक्सर मना करेगा कि नहीं हमें नहीं करवाना है इनसे ये रिसर्च. बट यू हैव टू कन्विंस बिकॉज इट इज योर वर्क, ये आपकी थीसिस पे आपका नाम लग रहा है, जिंदगी भर वो आपके साथ लगेगी. सो फर्स्ट पहले तो आप अपना एरिया फाइनलाइज करिए. यू जस्ट चेक इट, गूगल करिए कि क्या इससे रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं, क्योंकि कितनी बार तो विदेश में टॉपिक चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि विदेश में ही काम होगा, यहाँ पे नहीं काम होगा. बट हम लोग उसको थोड़ा भी टेक्स्ट पे और अच्छे से डीपली, हमारे जैसे मैंने कहा आप अपने वेदास पे देखिए, कुरान में देखिए, भगवत गीता, ये सब में आप देखिए, कहीं ना कहीं उसका जरूर कुछ ना कुछ एविडेंस होगा. वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा, वहां से आपको हिम्मत मिलेगी, नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ. और रही बात ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड वेरिएबल की, उसको ट्रेंड चेक करने के लिए देर आर मेनी सॉफ्टवेयर, वो आज की हम लोग की क्लास में नहीं हो पाया है. आई होप आई हैव क्लियर्ड दैट थिंग. यस मैम. एक नीरज का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी नो दैट दिस टॉपिक हैज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. देखिए फ्यूचरिस्टिक में तो एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकते. ट्रेंड की जब बात की गई तभी भी ये कहा गया था कि इट इज जस्ट एन अजम्पशन. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग इट, वी आर अज्यूमिंग इट कि वो होगा ऐसा फ्यूचर में. तो फ्यूचरिस्टिक व्यू के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग बहुत जरूरी है चीजों की, फाइन. दूसरी चीज हमें हमेशा देखना चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए वो कितना बेनिफिट कर रहा है. लाइक जो इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था, हमें फोर्सी करना है कि वेदर दिस आइडिया हाउ इट विल अफेक्ट टू अवर स्टेक होल्डर्स. बिकॉज जब वाइवा होता है तब आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप अपनी थीसिस को एक लाइन में डिफाइन करिए, और आपकी थीसिस ने एक लाइन में बताई उसने क्या आउटपुट दिया. तो दिस इज व्हाट, आप जहां से स्टार्ट किए ना वो एंड में आपको वहीं पे पहुंचना है उस चीज पर, वो आपको बताना है उसका आंसर. तो उसका आंसर शुरुआत में लेते हुए चलिए. हाँ रास्ते में बहुत चीजें आएंगी, बहुत चीजें बदलेंगी, आप बहुत कुछ सीखोगे, बट आपको उसको थोड़ा एक आइडिया को साथ में लेके चलना है कि इसको स्टेक होल्डर्स को कैसे ये अफेक्ट करेगा. और चीजों को थोड़ा इकोनॉमी के साथ भी कनेक्ट करिए कि ये चीज कितनी फीजिबल है इकोनॉमिकली, कि सिर्फ हवा में बातें करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा. फाइन, आइडिया ऐसा होना चाहिए जो बिके आगे. यस, और कोशिश करिए मॉडल बनाइए कोई भी चीज का. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इंदु बाला का दिख रहा है, हाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट बिट साइज लर्निंग. बाइट साइज लर्निंग इज लर्निंग विच इज रिलेटेड विद वेरी स्मॉल टॉपिक्स. बहुत छोटी छोटी लर्निंग होती है, बहुत छोटी छोटी चीज दिखाई. लाइक अभी मैंने आज के लेक्चर में आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई, बट शॉर्ट शॉर्ट बताई. ठीक है, वो उसको भी डिवाइडेड करके लाइक आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन गूगल मीट कैसे चलता है. ठीक है, तो मैं गूगल मीट का पूरा हिस्ट्री और वो सब नहीं बताएंगे, 2 मिनट में ऑन करके स्टार्ट करके दिखाएंगे. देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, एक छोटी सी चीज बच्चे को बता दी, सेकेंड डे दूसरी चीज बताई, तीसरे दिन. अभी जो ऑनलाइन मोड चल रहा है ना, एक्चुअली में बच्चा 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा स्पैन नहीं होता है, तो टीचर कितना क्रिएटिविटी लाए, कितना उन लोग को एंगेज करे. तो ये बिट साइज अभी जल्दी ही आएगा, ही बहुत जल्दी ये आ जाएगा ट्रेंड में नहीं, इट विल बी देयर इन द करिकुलम. ये करिकुलम में ही आने वाला है. बस छोटी छोटी चीज सिखाई, बच्चे को फील करी, और जीनियस आर दे दीजिए. जीनियस आर क्या होता है, लाइक हमने उनको बोल दिया बच्चे सिलेक्ट योर टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए और आप हमको प्रेजेंट करिए.
तो वी कैन सी होल क्रिएटिविटी ऑफ दैट पर्सन. और हर इंसान अपने आप में बहुत सारी क्षमताएं रख सकता है. हम लोग पीएचडी कर देंगे तो इट्स नॉट लाइक दैट हम लोग एक्सपर्ट हो गए. मुझे आज की डेट में भी दवाइयों के नाम याद नहीं रहते और मुझे नहीं पता कौन सी दवाई किस चीज की है. तो पीएचडी कर लेंगे तो भी ऐसा नहीं है मुझे वो सब चीज आ जाएगी. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डॉक्टर होने के बाद ये वाला पीएचडी करने के बाद भी हम लोग नहीं जान पाते. तो इट्स नॉट लाइक दैट वी विल बी बिकम ऑलराउंडर और सब कुछ. हर इंसान अपने आप में बहुत जीनियस आर का भी कॉन्सेप्ट आएगा इसी के साथ. मैम मनीषा कुमारी का एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. यस व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली अभी इतना सारा एक जोक साथ में मैं बताती हूँ आपको. विन डीजल है ना, ही इज ऑल बाल्ड ना, वो पूरा टकला है ना विन डीजल. यस मैम. हाँ वो इंडिया में जैसे ही आया तो उसने अपना फोन जैसे ही ऑन किया तो उनको मैसेज आया बत्रा क्लिनिक से और हेयर फॉल के लिए आप कांटेक्ट करिए. तो ये डाटा जो कहाँ से कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कहाँ पहुंचता है, क्या है, वी डोंट नो. तो डाटा की क्या प्राइवेसी है, डाटा को कैसे यूज करना है, एंड देन हाउ वी हैव टू सिस्टमैटिकली. अभी जो एक डेढ़ साल से सारा टीचर्स ऑनलाइन पे आ गया है वो सिर्फ मजबूरी की वजह से आया है बस. बहुत कम टीचर्स होंगे जो खुशी खुशी आए, बाकी सब मजबूरी की वजह से आए. तो क्यों ना हम इस चीज को और एक्सपैंड करें. दिस इज बेसिकली डाटा को कैसे कहाँ यूज करना है प्रॉपरली सिस्टमैटिकली, वो टेक्नोलॉजी है. तो ICT में ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग से बाहर आकर इन पर भी वर्क किया जा सकता है. यस और मैम प्रसन्नजीत राय का नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिख रहा है मुझे. एक्सप्लेन अबाउट जीनियस हॉर दैट यू मेंशन इन स्लाइड 20 नंबर 1. यस जीनियस आर टोल्ड एक घंटे में बच्चे को काम दिया जाएगा. आप अपने मन का टॉपिक करिए, कोई डू व्हाट एवर यू लाइक ऑन एनी प्रोजेक्ट और एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट इट. अब मैं एज ए टीचर बच्चों को बोलती हूँ विजिट अ बैंक और वहां जाके ये काम करो. मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चे को, आप इसी में काम करिए. लेकिन जब मैंने बच्चे को एक घंटा दे दिया डू व्हाट एवर यू वांट, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, तो वहां पर उस बच्चे की क्रिएटिविटी दिखेगी. दैट इज जीनियस आर. एक और क्वेश्चन है मैम. फॉर न्यू ट्रेंड रिसर्च विच टाइप ऑफ मेथड्स विल बी यूज्ड, वेदर एक्सप्लोरेटरी मेथड ऑफ. सी जो भी एनीथिंग इज न्यू इट इज एक्सप्लोरेटरी. एंड अगर आप जो पुराने डाटा से चीजें कर रहे हैं वो एक्सपोज फैक्टर हो जाएगा. बट अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की अगर बात करते हैं, मैं आई एम कमिंग टू दैट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. देखो हमें हमेशा लगता है क्वालिटेटिव चीज नहीं होगी, ठीक है. हमेशा मिक्स्ड कोशिश करिए, मिक्स्ड अप्रोच लेके चलिए इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग एनी न्यू टॉपिक. तो देखिए ईंट तो पहले से कहीं लगी हुई थी, कहीं दीवार कुछ बनी थी, आपने उसमें नई ईंट रखी, आपने जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं किया. कोई भी रिसर्च जीरो से स्टार्ट नहीं होती है. तो आप डायरेक्टली क्वालिटेटिव पे जंप नहीं करेंगे, किसी को तो बेस बनाएंगे. तो कहीं ना आपने डेटा तो कुछ कलेक्ट किया तो क्वांटिटेटिव हुआ. क्वांटिटेटिव इज नॉट कि आपने उसपे स्टैटिस्टिक्स लगाया तो क्वांटिटेटिव हो गया. डेटा कलेक्शन है ना एनी फॉर्म, उसका एनालिसिस थोड़ा नंबर्स में हुआ तो वो क्वांटिटेटिव हुआ. उसको क्वालिटेटिव वे में करते हैं आप लोग. और आजकल तो क्वालिटेटिव डेटा को इस तरीके से डेटा को ऐसा पंचिंग करके रीडिंग के भी सॉफ्टवेयर आ गए. तो आई विल प्रिफर कि अब उन सॉफ्टवेयर को उन सॉफ्टवेयर में काम करना तो ठीक है, उनको डेवलप करने का सोचिए. AMU में MS खान सर हैं, स्टैटिस्टिक्स का हमेशा उनका बहुत अच्छा वर्कशॉप होता है. उन्होंने एक चीज बताई थी कि जितने भी ये पुलिस की जो लाइन है, पुलिस में जो है, उन लोग एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं कि अगर क्रिमिनल ने ये चीज की है तो उसको कौन सी धारा लगेगी, ठीक है. तो वो क्वालिटेटिव डाटा को फीड करना है और उसका रिजल्ट क्वांटिटेटिव में आना है. तो ये भी एक अपने आप में ही ट्रेंड है कि आप डाटा को कैसे उसको चर्न कर रहे हैं, कैसे मिक्स कर रहे हैं.
तो आई सजेस्ट कि गो फॉर मिक्स मेथड, और लेकिन उसको उसमें भी काफी मॉडल्स होते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में भी, कि वो खुद एक अपनी आप एक क्लास देता है, एक लेक्चर देता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, देन क्वालिटेटिव उसके भी मॉडल मिक्स में कौन कौन सा कितना क्वाली ले रहे हैं कितना क्वांट ले रहे हैं, और विदेश में जितनी रिसर्चेज हो रही है वो मिक्सड होती है, क्वाल क्वांट मिक्स होती है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव तो डाटा ऐसा ही नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है उनका. यस Anand Sahu, if you allow me, then I can add a question. Yes, yes, please. Ma'am, as you told that exploratory research we need to apply when we see a new trends research. Ma'am, yes. as you mentioned in slide number 21, that in case of education and technology, suppose STEAM curriculum is there. So STEAM curriculum is in STEAM curriculum, slide number 20. Ma'am, here you have mentioned the STEAM curriculum, flipped classroom, blended learning. So my specific question to regarding STEAM curriculum, suppose ma'am, the STEAM curriculum is evolving as a trend in the USA, California or South Korea, but in India it is not, as of now it is not, there is no such recent trend, but it started by the government of Madhya Pradesh and NCERT Ajmer. So ma'am, my specific question, when I am going through the STEAM curriculum research, then what kind of methods I will use, whether I will go for a speculation method or I will go for exploratory research, because there is no such research in the India. So how I will address this STEAM curriculum when I will going for the research in this STEAM curriculum? See, yes, ma'am. See, thank very nice question. See, one of my friend is there, she is doing work in this thing. She has started with STEM, STEM, now it is STEAM. So she is working, she has prepared a questionnaire Integral University. She is research scholar in Integral itself. What she has done, as I know, she has prepared this tool. She has concepted a tool related with this whatever questionnaire they have asked. See, isme there are two things. Aap curriculum pe kitna work kar rahe, and then you are analyzing the situations. Hai na, aap situation ko padh rahe ki uske andar jaakar padh rahe. Two things are there. You're going for that content or just going through the situation ki kya, what is the status. So I think she is going through the status. टीम का क्या स्टेटस है, तो शी हैज प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनेयर, कितना यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड देन कंपैरेटिव स्टडीज देयर, बट शी हैज आल्सो एडेड टू क्वालिटेटिव क्वेश्चंस. क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी डाला कि टीम को इंप्रूव करना है या क्या करना है, उसमें क्या होगा. सो दैट वे शी कैन इन हर एनालिसिस, इन हर लास्ट ऑब्जेक्टिव शी कैन गिव क्वालिटेटिव आंसर्स आल्सो, तो शी कैन हैव मिक्स्ड रिसर्च इन दिस थिंग. सो we can go for that purpose only, because kuch cheeze aisi hoti hai, few things like when we talk about blended learning, so blended learning ka one model is there, but when we talk about STEAM curriculum, so STEAM curriculum we have to follow that, it is given by government, lekin blended learning mein liberty is there, freedom is there, jisko bhi jaise karna hai karna hai, it's not fixed ki aise hi karna hai, you can develop your model for class 11 10 12, even same with flipped classroom. ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, आपको जैसे उसको टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द आर्ट ऑफ द टीचर, बट स्टीम करिकुलम जो है आपका दैट इज क्वाइट फिक्स्ड. तो मैम एज और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे हमें ये पता नहीं है कि हमारा पेडागोजिकल अप्रोच स्टीम करिकुलम में क्या होना चाहिए, तो जैसे एज ए मैं रिसर्चर अगर मैं उसको फ्यूचरिस्टिक व्यू में अपना जो एक कॉन्सेप्चुअल देता हूँ, अपना फ्रेम बनाता हूँ, और इसको एक पेडागोजिकल अप्रोच टिंटेटिव पेडागोजिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट मे बी द टिंटेटिव पेडागोजिकल अप्रोच फॉर स्टीम करिकुलम, तो जब मैं इसको फ्रेम करूंगा, जब कॉन्सेप्चुअलाइज करूंगा, तब मैं क्या इसको स्पेकुलेशन मेथड यूज करूंगा या समथिंग डिफरेंट या एक्सप्लोरेटरी रहेगा, जब मैं कोई नया चीज देना चाहता हूं. सी, आप नई चीज तो वो चीज देंगे ना जो जो एज ए इंडिविजुअल मांगी जा सकती है, लेकिन नई चीज अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें इंडिविजुअल का एफर्ट कहां तक जाएगा. लाइक सपोज एनईपी आया, एनईपी 2020 आ गया,
तो दे हैव आस्क्ड सजेशन एंड फीडबैक, उन्होंने सजेशन फीडबैक मांगा, लेकिन वो बन चुके चाहते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको और किस तरीके से और बेटर प्रोग्राम्स बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में जैसे मैडम ने भी बात कही है और हम उसके लिए प्लान भी कर रहे हैं टेली गाइडेंस एंड टेली काउंसलिंग, तो कुछ कुछ चीजें अभी हैं जो हमारे यहाँ पाइपलाइन में है। हमारे पास जैसे ही एक्सपर्ट्स और जो रिसोर्स पर्संस हैं पर्टिकुलर फील्ड के हमसे संपर्क में आते हैं, वैसे ही हम कुछ कुछ सर्विसेज शुरू करेंगे। तो कड़ियाँ जुड़ती हैं, हमें वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारे लिए रिसर्च स्कॉलर्स एज ए वॉलंटियर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, और उन्हीं की सहायता से ये कार्यक्रम आप सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें टाइम दे सकते हैं, ये बेसिकली लेक्चर ऑन डिमांड एक तरह से हम कहें सर्विस है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन टाइम निकालते हैं और आपके लिए एक लेक्चर तैयार करके लाते हैं, और आप सबके क्वेश्चंस देख के लग रहा है कि आप वाकई में इससे काफी आपको सीखने को मिला और आपकी जो क्वेरीज हैं जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। और बिना सर्टिफिकेट की उम्मीद के 100 से अधिक लोग अगर किसी सेशन में जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में किसी भी कार्यक्रम की सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम प्रोग्राम्स को चाहे ऑनलाइन सेशंस हों ऑनलाइन लेक्चर्स हों उनको नीड बेस्ड बनाएं, उसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स का एक्टिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे जितने भी डिफरेंट फोरम्स हैं ऑनलाइन फोरम्स हैं उनसे जुड़ें। जुड़ने का पर्पज ये है कि हम आपसे जान पाएं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, और हम आपको सूचित कर पाएं कि हम क्या कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं। फ्यूचर में और भी बहुत सी चीजें आएंगी जिनकी सूचना आपको मिलेगी। तो एज ए मेंबर ऑफ टीचर एजुकेशन कम्युनिटी, बेसिकली हमारा ग्रुप फोकस्ड ग्रुप है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे टीचर एजुकेशन कम्युनिटी के, उन सबको हम एक मंच पर लाकर एक दूसरे की मदद से चीजों को आसान बनाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे रिसोर्स पर्सन आप सबके सामने आ रहे हैं, आज मैडम ने भी बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से फ्रेंड्स को समझाया है कैसे हम समझते हैं। जब मैम समझा रही थी, एक बात हमारे दिमाग में भी आ रही थी कि जब फर्स्ट वेव आई कोरोना की, तो हम सब ने इतना ज्यादा गिलोय के बारे में खोजा गूगल पे, गिलोय का काढ़ा, गिलोय के क्या बेनिफिट्स हैं। तो चीजें इसी तरीके से ट्रेंड करने लगती हैं। आईसीटी में जानना ज्यादा आसान है और वर्चुअल वर्ल्ड में पता लगाना ज्यादा आसान है कौन सी चीज ट्रेंडिंग है। तो थोड़ा मुश्किल जरूर है एजुकेशनल रिसर्च में, लेकिन जब आप टच में रहते हैं एकेडमिक कम्युनिटीज के एक्सपर्ट्स के प्रोफेसर्स के, जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, तो निश्चित रूप से आपको ट्रेंड जानना भी कठिन नहीं लगेगा।
आगे की जो कार्यवाही उसके लिए मैं आनंद को कहता हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। आनंद सर जस्ट अ मिनट, एक और स्लाइड शेयर करनी है मुझे। ओके ये कुछ अप्रोचेस है लर्निंग के लिए, इसमें से आप एक भी अप्रोच को पकड़ लें तो भी आपका थीसिस और रिसर्च पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस। हमने इस पर वर्क नहीं किया था अभी, इस पर हमने ज्यादा बातचीत नहीं की है, तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स इट, थैंक यू मैम। नाउ आई एम इनवाइटिंग मिस्टर समिता कुमारी मैम फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Anand sir. Over to you, ma'am. Yes. Good evening to one and all gathered here. It's my immense pleasure to deliver vote of thanks. I would like to thank Mrs. Divya R. Panjwani, ma'am, for this wonderful session. Ma'am, the topic for the today's session was relevant in the current scenario. The way you explained this topic, although the topic was very complicated, but you explained it in a very simple way, and the session was really practical and interesting. The way you involved the participants in the session was really trustworthy. Thank you so much, ma'am. Next, I extend gratitude to my owner, Madam, with us in our session. And for this, sir, I extend my gratitude to the dignitaries. And next, I would like to thank the founder of the teacher educator group, Dr. Somo Singh, and the coordinator of this lecture, Mr. Anand Sahu. And last but not least, thank you to our beloved audiences who listen this session very intensely, and I appreciate their happy participation. Thank you so much. Over to you, Anand sir. Thank you, ma'am. मैं इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं। अगर बाकी लोगों को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, अपना टॉपिक लिख सकते हैं, किस पे वे लेक्चर चाहते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, एनी कोई भी बात है तो आप हमसे वहां पर साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। Hello?